नागपुर सिटीजन फोरम ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। फोरम द्वारा गरीब मरीजों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए मेडिसिन बैंक इस पहल के तहत पहले चरण में 1,00,000 रुपए के मुफ्त दवा वितरित करना शुरू कर दिया है। नागपुर सिटीजन फोरम ने नागपुर शहर के गरीब और जरूरतमंद कोविड रोगियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दवा दान इस पहल के तहत फोरम ने मेडिसिन बैंक शुरू की है। कोविड रोगियों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाएं महंगी है। 14 दिन की दवा खरीदने में 2 से 2,500 रुपए खर्च आता है। वित्तीय कठिनाइयों और खराब स्थितियों के कारण कई लोग महंगी दवाएं लेने से बचते हैं। फोरम के सदस्यों ने शहर के विभिन्न इलाकों में इसका एक छोटा सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में पॉजिटिव रोगी के रिश्तेदार, मेडिकल स्टोर संचालक और कुछ डॉक्टर शामिल थे। सर्वेक्षण में पाया गया कि फैबिपिरविर नामक दवा नहीं मिलने से कई रोगियों की तबीयत बिगड़ रही है। इस पृष्ठभूमि के चलते नागपुर सिटीजन फोरम ने दवा दान नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। फोरम ने मदद के लिए शहर में दान दाताओं से अपील करते हुए एक दवा बैंक की स्थापना की है। इस मेडिसिन बैंक से शहर के गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाएं दी जा रही है। 5 लाभार्थी परिवारों को दवा किट वितरित करके पहल शुरू की गई। इस अवसर पर प्रतीक बैरागी, अभिजीत सिंह चंदेल, अभिजीत झा, गजेंद्र सिंह लोहिया, अमित बांदुरकर और वैभव शिंदे पाटिल उपस्थित थे। इस वक्त लाभार्थियों ने अधिक जानकारी साझा की। नागपुर सिटीजन फोरम तर्फे मला ही औषधे प्राप्त झाली आहे, तर त्यांचा खूप आभारी आहे मी आणि खूपच फार लवकरच त्यांनी मला ती औषधी देण्यात आली आहे आणि समोरचा व्यक्ती खूपच हे आहे त्यामुळे तो औषध घेऊ नाही शकत होता, तर त्या नागपूर सिटीजन फोरममुळे ती औषध मला फ्रीमध्ये मिळाली आणि औषध आहे 2,000 रुपयाची औषध आहे आणि त्यांना खूप थँक्यू बोलतो मी की त्यांनी मला ही औषधे प्राप्त करून दिली आहे। थँक्यू। नागपूर सिटीजन फोरमचे मी कोई दवाई अवलंब मिली और मैं जो पेशेंट था वो ले नहीं सकता था, लेकिन नागपुर सिटीजन फोरम से मेरे को ये दवाई इनने अवेलेबल करके दी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर नगर निगम और जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अनदेखी की है। नागपुर सिटीजन फोरम के सदस्य और दवादान अभियान के प्रमुख प्रतीक बैरागी ने नागपुर महानगर पालिका पर आरोप लगाया है कि महानगर पालिका मरीजों को मुफ्त में दवा देने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि कई मरीज दवाएं खरीदने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे महंगे होते हैं। हर कोई फैबिपिरविर जैसी महंगी दवा नहीं खरीद सकता। हालांकि अगर इन दवाओं को नहीं लिया जाता है तो रोगी अधिक पीड़ित होता है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। यही कारण है कि नागपुर सिटीजन फोरम ने इस मुद्दे को उठाया और प्रशासन पर भरोसा किए बिना काम करना शुरू कर दिया। इस उपक्रम के बारे में फोरम के कार्यकर्ताओं ने अधिक जानकारी साझा की। नागपूरमध्ये फिरत असताना आम्हाला एक माहिती भेटली की मेडिसिन जी आहेत कोविडची एकदम अतिशय महाग आहेत आणि ती 2,000 रुपयाला जात आहेत आणि गरिबांना ही परवडणारी नाही। त्याच्यामुळे नागपूर सिटीजन फोरमच्या टीमने एक आम्ही बसून एक उपाय सुचवला की का बरं आपण लोकांना मदतीचा एक हात पुढे केलेला पाहिजे। त्यानुसार आम्ही एक कॅम्पेन चालू केला आणि आम्ही एक लोकांना एक विचारलं की तुम्ही आम्हाला मदत करू शकतात का। जे नागपूरचे दानधर्मी लोक आहेत ते सोबत आमच्या आलेत आणि त्यांनी आम्हाला मेडिसिनच्या रूपात किंवा पैशाच्या रूपात आम्हाला मदत केली आणि आम्ही आज नागपूर सिटीजन फोरमतर्फे आणि आमच्या मित्रपरिवारातर्फे आम्ही नागपुरातल्या गोरगरीब जनतेला मदत करत आहोत आणि मी तुम्हाला आवाहन करतो की असेच तुम्ही पण समोर या आणि आपल्या नागपुरातील जनतेला वाचवा। की हमारा दायित्व आहे की हमारे कोई भी नागपूर के जो परिवार के लोग हैं उन्हें औषधि प्राप्त हो, उनकी जो तकलीफ है, उनका जो रोग है उसका निवारण हो। और इस माध्यम से हमने जन जागरूकता के माध्यम से लोगों से अपील की और लोगों का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर दवाई के माध्यम से, निधि के माध्यम से, अपने क्षमता अनुसार उन्होंने हमें सहयोग किया। और मेरा आह्वान है समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं कि वो गरीब तबके के लोग जो लोग इस दवाइयों को एफर्ड नहीं कर सकते उन्हें मदद करें। जब एक दवाई मरीज को मिलेगी तभी जाकर उसके हालत में सुधार होगी और कोरोना को मात दे पाएगा। मेरा अपील है महानगर पालिका और प्रशासन से, क्योंकि उन्होंने दवाइयां देना बंद कर चुके हैं, टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सारे कारणों को देखते हुए नागपुर सिटीजन फोरम ने एक सामाजिक दायित्व के तौर पर यह समझा और एहसास किया कि हमें मरीजों का हौसला बढ़ाना है, उन्हें बेहतर इलाज मिले, बेहतर दवाई मिले। और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बहुत ही भयावह परिस्थिति है इसमें हम सब लोग एकजुटता के साथ मिलकर अगर संघर्ष करेंगे तो जरूर हमें सफलता प्राप्त। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नागपुर में जो कोरोना की संक्रमण है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। आज नागपुर में कुल 77,000 एक्टिव केसेस है।
तो हमने जैसे कि देखा था कि इसमें बहुत से गरीब लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित तो हो रहे लेकिन उसकी दवाइयाँ लेने में उन्हें बहुत मशक्कत पड़नी पड़ रही। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फेविप्रावीर जो एंटीवायरल ड्रग है जो सबसे ज़्यादा कोरोना में यूज़ होता है, लेकिन उसका दाम देखेंगे तो 1600 रुपये का पत्ता है 800 mg का, जो कई गरीब लोग हैं जो ले नहीं पाते। अगर वो पूरी कोरोना की दवाई लेते हैं तो करीबन 2000 से 2500 तक की होती है। तो जब हमने देखा कि लोग दवाइयाँ ना ले रहे, दवाई ना लेने के कारण उनके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ रहा है और तब जाके उनका O2 लेवल कम होता है, धीरे 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 वो लंग्स जो इन्फेक्शन है पूरा बॉडी में फैलते जाता है। तो हमने नागपुर सिटीजन फोरम ने यह संकल्प लिया और ये अभियान शुरू किया कि जितने भी ऐसे गरीब है जो असमर्थ है दवाई लेने में, फेविप्रावीर है, जिंक है, एजिथ्रोमाइसिन है, विटामिन सी है, फेबीफ्लू है और पैरासीटामोल है, हम सब जो पूरी कोरोना की किट होती है वो हमने बनाई है और जितने भी ऐसे मरीज है जो असमर्थ है हम उनको देने में हम सक्षम है। और इससे मैं अपील करना चाहता हूँ जो लोगों से जो हमसे जुड़ रहे हैं, अगर आप भी ये अपील से जुड़ना चाहते हैं, ये मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप दवा के रूप में या रकम के रूप में हमें दान दे सकते हैं। हम ये वो रकम को लेके हम जितना भी हो सकता है गरीबों के लिए दवाएं खरीदेंगे, उनको देंगे। बता दें कि पहले चरण में 1,00,000 रुपए की दवा वितरित की जाएगी। इसके लिए एक मेडिसिन किट तैयार की गई है। इस किट में फेविप्रावीर, पैरासीटामोल, आइवरमॉक्टिन, लिमची, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सी, जिंक, D3 रिस्क, एलेक्स का सिरप, इन दवाइयों का 14 दिन का डोज और एक मास्क और सैनिटाइजर दिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।